अमहर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाला थे। जे कबो अमहर खैले हुई ते जानत हुई कि एकर नाम सुनते ही काहे मुंह में पानी आ जाला। तो आज बना जाइए अपने पूर्वांचल की ओर का खास रेसिपी, अमहर का रेसिपी। पूर्वांचल यानी जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, भदोई या फिर पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में ये खटाई साल भर के लिए बना के रखल जाले और साल भर अपने दाल और कढ़ी में डालकर दाल और कढ़ी का स्वाद बढ़ावल जात रहा और एक चटनी भी पीस के खा जाले। चटनी भी काफ़ी स्वादिष्ट लगे ले। तो एक ही बनावे के लिए सबसे पहले हम देसी आम ले लें। ये देसी आम से बहुत बढ़िया बनेला। तो आम थोड़ा सा छोटा छोटा आकार का होला ना, तो खटाई ओकर थोड़ी छोटी छोटी बने ले तो ज़्यादा अच्छी लगे ले। तो यहाँ पर आम के हम अच्छी तरह से धुल लेते हैं। आम धोवे के बाद किसी भी सूती कपड़ा पर फैला दें ताकि आम के ऊपर का पानी सूख जाए। और जब आम के ऊपर का पानी सूख जाए तब ये सारा आम के छील लेवे के है। तो ऊपर का ढेपी इस तरह से काट लें और काटे के बाद छिलनी से छिलका बढ़िया से उतार लेवे के। छिलका एकदम साफ से उतारे के है, तनको भी इपे हरा हरा छिलका का न लगल रह जाए। एकदम बढ़िया साफ सफाई से छिलका उतार के छील लेवे के सारा आम के। और इसी तरह से सारा आम के छील लेवे के है। और प्रयास करें कि खटाई बनावे के लिए जो आप आम लेते हैं वो थोड़ा सा कड़ेर हो गया है, उसमें जाली पड़ गई है। वैसे आम से यदि आप खटाई बनाए तो खटाई काफ़ी अच्छी, स्वादिष्ट और ज़्यादा दिन तक चले वाली बन के तैयार हुई। तो अब ये सारा आम के काट लेवे के है। तो ये आम के सिर्फ दो भाग में काटल जाला इस तरह से। और काटे के बाद हमें से बीच में का जो एक कोयली है ना, एक ही निकाल लिया जाला चाकू की सहायता से। खटाई यही लिए छोटी छोटी आम से बनावल जाले ताकि आम का छोटा छोटा फाकी निकला और आप एक फाकी या दो फाकी अपने दाल या फिर कढ़ी में डाल के अपने दाल कढ़ी का स्वाद बढ़ा लें। आम ज़्यादा बड़ा बड़ा रही तो फाकी बड़ी बड़ी बन के तैयार हुई। इसीलिए जब भी आप ये खटाई बनाएं तो छोटे वाले आम से बनाएं। एक खटाई का तैयारी मई के महीना में ही शुरू कर दिया जाला। कैसे कि मई और जून के महीना में काफ़ी अच्छी धूप होले तो एक खटाई के धूप में बढ़िया से सुखावल जाला। कम से कम 6 से 7 दिन का अच्छी धूप लगी तो एक खटाई बढ़िया से सूख जाए। तो जब भी आप एक खटाई का तैयारी करें तो अक्सर मई या फिर जून के महीने में करें। जून के महीने में तो कभी कभी बारिश चालू हो जाए तो मई के महीने से शुरुआत कर दें। कैसे कि सूखे के लिए कम से कम 5 से 7 दिन का समय लग जाए। तो 5 से 7 दिन के बाद ही बढ़िया से सूख चुका लिया और इतना एक सुखावे के ना कि इनमें से टन टन का आवाज़ आवे लगे। तो आप आवाज़ से समझ सकें ना कि खटाई कितना बढ़िया से सूखल है। तो अब खटाई के साफ़ कर लेवे के है। सूखले के बाद ये आम के कोयले में इस तरह से एक परत जम जाले कागज़ की तरह से, एक ही निकाल देवे के है। कैसे कि जब आप खटाई बन के तैयार हुई तो जब दाल उल में डालब ना तो ई गलबो ना करे ले और मुंह में आवे ले प्लास्टिक की तरह से। तो एक ही अच्छी तरह से साफ करके निकाल दें। हम अपन खटाई बहुत ही साफ सफाई से सुखौले रहनी है। जैसे कि काट के पसारे के बाद ऊपर महीन सूती कपड़ा बिछा दे ले रहनी है, ढक दे ले रहनी है तो में धूल गर्दा बिल्कुल भी ना आल है। यदि आपकी आम के खटाई में धूल गर्दा जमल होके ते के धो के बनाई और यदि साफ सफाई से सुखाते हैं तो धोले का कोनो जरूरत ना हो। खटाई के धोए के लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लें किसी बड़े बर्तन में और पानी जब हल्का सा गुनगुना रह जाए तो सारा खटाई के उसमें डाल के धो के एक बार निकाल लें। तो चाहे सुखवा के बनाएं या फिर बनावे के बाद खटाई के बढ़िया से सफाई, नहीं तो पानी लगा ले तो खटाई ख़राब भैले का डर होला। और यहाँ पर सारा खटाई साफ करके हो गला इस तरह से फटक के में कर जो छिलका है ये अच्छी तरह से निकाल देवे के। तो अब हम लोगों का ये आम का फाकी एकदम बिल्कुल बन के तैयार है अमर बनावे के लिए। अमहर बनाने के लिए सबसे पहले मसाला देख लिया जाए कि हमें कौन कौन से मसाला पड़ेगा और कितनी मात्रा में पड़ेगा। हम पूरा 2 किलो आम के काट के सुखवा के खटाई के लिए तैयार कर ले रहनी है। तो 2 किलो के हिसाब से मसाला देख लें। थोड़ा सा मसाला हम कम बनावत हैं कैसे कि हम पहले भी अमहर घर के लिए बना के रख ले रहनी है तो हमें मसाला थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो मसाला के हमें मिला लें। लेकिन इतना मसाला 1 किलो आम के खटाई के लिए काफ़ी हो जाए। इतना मसाला से आप 1.5 किलो तक के आम का खटाई बना सकेला आसानी से। तो यहाँ पर हम 4 चम्मच धनिया का बीज ले ले हैं और इसी के साथ हम 2 चम्मच जीरा ले ले हैं और इसी के साथ 5 बड़ी इलायची है, 5 छोटी इलायची है और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है और 10 से 12 एमएल लवंग का भी हम इस्तेमाल कर ले रहनी है, कैमरा में छूट गल है। और यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का दाना है और स्वाद के अनुसार लाल मिर्च ले लेवे के है। और ये सारा मसाला के थोड़ी देर के लिए
घाम दिखा दें ताकि मसाला आपका कुरकुरा हो जाए। तो मसाला यहाँ पे आप देख सकेला, जरूरी ना है कि जितना मसाला हम डालत हैं या फिर जौन मसाला हम डालत हैं उसी मसाला से आप बनाएं। बहुत लोग हमके पिछली वीडियो में कमेंट कहला कि मैम आपने सौंफ नहीं डाला, तो जौन सौंफ वाला मसाला बनावल जाना वो थोड़ा अलग तरह का रहेला, तो ओहू का वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और ये मसाला के थोड़ा सा दरदरा ही मिक्सी के जार में पीस लेवे के ह। और पिछली वीडियो में हम लहसुन डाल के ना बनौले रलिए हमर, तो इमें हम लहसुन भी डालत हैं। पिछली बार कुछ कारण रहे उसे हम लहसुन ना डाल ले रानिया, लेकिन अब की बार ये लहसुन भी डाल के बनाए, तो लहसुन के भी दरदरा मिक्सी के जार में पीस लेवे के ह। बहुत लोग लहसुन ना खाना तो उ एक हटाई के बिना लहसुन कभी बना सके ना। अगर वो रेसिपी आप लोगों के चाहत होगी तो वीडियो के अंत में आप लोगों के मिल जाए। और अब एक छोटी सा भगोनी ले लें, और ये भगोनी में आधा गिलास हम पानी डाल लें, आधा गिलास ये मारे डाल लें कि आखिर के जला के कम्मा करके रहला, तो सिर्फ आधा गिलास पानी डालल जाए। 3 चम्मच भर के नमक डाल देवे के हमें, नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होला एक हटाई के बनावे के लिए। और अब 2 चम्मच भर के में हल्दी पाउडर डाल देवे के, तो हल्दी भी इमें ज़्यादा ही पड़े ले। और 2 चम्मच इमें हींग डाल देवे के, यदि आप 2 किलो आम से बनाते हैं तो 2 चम्मच हींग का इस्तेमाल करें, और यदि 1 किलो आम से बनाते हैं तो 1 चम्मच हींग का इस्तेमाल करें, यानी हर किलो पर 1-1 चम्मच रहे। अब ये मिश्रण के 10 से 15 मिनट तक मध्यम आंच पर रख के जलावे के है, यानी आधा कर लेवे के है। इसलिए हम पानी बहुत कम डालने हैं, ज़्यादा पानी डलने होते हैं तो जलावे में टाइम लगल हो, लेकिन आधा ग्लास पानी जरे में मुश्किल से 15 मिनट लगी। 15 मिनट में ही ये मिश्रण एकदम गाढ़ा बन के तैयार हो जाए। खटाई बनावे के लिए हींग नमक और हल्दी का पानी पहले तैयार कर जाला। तो बहुत लोग थोड़ा अलग अलग तरीका से के बनावे ना, तो जैसन आपकी तरफ बनत हो उस तरीका से बनाएं। हम लोग की तरफ इसी तरह से बनेला, तो हम इसी तरह से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करत हैं। तो यहाँ पर ये मिश्रण लगभग बन के तैयार हो चुका ला, गैस के कर दिया जाए बंद और ये मिश्रण के ठंडा होके दिया जाए। मिश्रण हो चुका ला पूरी तरह से ठंडा। अब ये मिश्रण के ये आम के फाकिन पर पूरा अच्छी तरह से डाल देवे के हैं, और जो लहसुन हम लोग मिक्सी के जार में पिसले रहने जा वो के अच्छी तरह से एक ऊपर फैला देवे के है। और अब जो ई पिसल मसाला है इके भी अच्छी तरह से सारा आम के फाकी पर फैला देवे के है। एक हटाई में नमक और हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होला, तो यहाँ पर हम 2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल देते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा के नमक डाल देते हैं। तो हल्दी और नमक हम लोग पहले भी इस्तेमाल कैले रहने जा पानी में, और यहाँ भी बढ़ा के ही थोड़ा सा डाल देवे के है। और डाले के बाद अब इमें सरसों का तेल डाल देवे के है, और सरसों का तेल डाले के बाद एकदम अच्छी तरह से मिला देवे के सारा मसाला के। लहसुन तेल मसाला मिलाते ही आम के फाकी में पता चल जाए कि आपके घर में अमहर बना था, बहुत ही बढ़िया से खुशबू आवेले ये सारे मसाले का। और सारा मसाला एकदम अच्छी तरह से मिलावे के बाद अब एक एक दिन का अच्छी धूप दिखावे के है। तो जब तक ये धूप में ना रख ले हैं तेल डालब ताज़ा ताज़ा, तो ये थोड़ा सा गीला गीला लगे, लेकिन जैसे ही एक दिन का आप धूप दिखा दे और ये सूख जाए तो एकदम से मसाला भरभरा हो जाला। अमहर बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है, तो एक इतनी सफाई से सुखावे के है। तो यहाँ पर हम ऊपर छन्नी रख देते हैं, और छन्नी पर महीन कपड़ा रख देते हैं ताकि धूल गर्दा न पड़े एक खटाई में। और एक दिन का अच्छी धूप दिखाए के बाद ये खटाई एकदम भरभरी हो जाले। शुरू में हम लोग पानी का इस्तेमाल करे रहनी है जा, तो इस तरह से सुखावे के बाद ये खटाई एकदम भरभरी हो जाए। और एक किसी भी प्लास्टिक के डब्बा में भर के रख दें, और 1-1.5 साल इस्तेमाल करें, अपने दाल और कढ़ी में चटनी पीस के खाएं, बिल्कुल भी ख़राब ना होए, और आपके खाने का स्वाद ही चौगुना कर दे ले ये खटाई। ये खटाई सौंफ के मसाला से भी तैयार करके बनावल जाला, तो वो मसाला थोड़ा सा अलग होला, तो वो वीडियो हम आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दे। तो आशा है कि आज वाली वीडियो आप लोगों के पसंद आई हुई अपनी भाषा भोजपुरी में। यदि वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आती है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी न भुलाल करें। और यदि चैनल पर नया है हमारा और भी ऐसे बहुत सारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो चैनल के कर लें सब्सक्राइब। हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई भोजपुरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।